फ्री फायर ये गेम 23 अगस्त 2017 को पहली बार दुनिया में लॉन्च हुआ। उस समय जो इसका मैप हुआ करता था आप यहाँ पे देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेस हुआ करता था और इसका जो ग्राफिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा लो था और सिर्फ यहाँ पे छोटा सा आइलैंड था, ज़्यादा बड़ा मैप नहीं था और एलोविश टाइप का यहाँ पर ग्राफिक्स था जहाँ पर पेड़ पौधे घर वगैरह हर चीज़ यहाँ पर एक जैसा लगता था देखने में। आप यहाँ पर देख सकते हो इसका मैप कुछ इस तरह से लगता था देखने में, यानी कि ये है 2017 जो कि फ्री फायर फर्स्ट टाइम जब लॉन्च हुआ था उस समय का मैप है जिसका ग्राफिक्स यहाँ पे आप देख सकते हो। वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे मैप का इवोल्यूशन बताने वाला हूँ कि फ्री फायर में जो मैप का इवोल्यूशन हुआ है यानी कि मैप चेंजेस हुए हैं वो कैसे चेंजेस हुए, किस तरह से ग्राफिक्स इंप्रूव हुआ है। तो 2017 में आप देख सकते हो यहाँ पे कितना नॉर्मल हुआ करता था, एक छोटा सा आइलैंड हुआ करता था, बहुत ही ज़्यादा खास नहीं था, एक जैसे पेड़ हुआ करते थे और बहुत ही लो ग्राफिक्स था। ये था 2017 की, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लो ग्राफिक्स था। आप यहाँ पे देख सकते हो छोटा छोटा आइलैंड हुआ करता था और एक बहुत ही छोटा मैप हुआ करता था। फिर आया साल 2018 जहाँ पे एक अपडेट आया, उस अपडेट में मैप को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया और एक बड़ा सा आइलैंड कर दिया गया जिसमें कई सारे प्लेस हमें यहाँ पे ऐड कर दिए गए थे, लेकिन मैप कुछ इस तरह से लगता था देखने में। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका मैप और 2018 में ये गेम में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करी और इस गेम का ग्राफिक्स भी काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया गया। इसका जो पेड़ है उसको यहाँ पर ग्रीन कलर का कर दिया गया था और जो ज़मीन का घास वगैरह है, रोड वगैरह है, वो यहाँ पे रियलिटी टाइप का करने की कोशिश करने लगा था। पूरा तो नहीं कर पाया था लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो मैप में बहुत ही सारे चेंजेस देखने को मिले थे, बहुत ही ज़्यादा ग्राफिक्स को यहाँ पे बदल दिया गया था और नए नए जगहों को ऐड कर दिया गया था 2018 में। फिर 2018 के हमें यहाँ पे मई जून के महीने में और भी यहाँ पे चेंजेस देखने को मिला, जो कि यहाँ पे जिस तरह से आधा एरिया था वो आधा एरिया भी खत्म कर दिया गया और यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा मैप कर दिया गया था। प्लेस यहाँ पे कुछ यहाँ पे चेंजेस किया गया था जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो उसमें क्लॉक टावर वगैरह नहीं रहता था, लेकिन यहाँ पे देखो आउटपोस्ट, ऑफिस, हैंगार वगैरह जो अभी भी चल रहा है वो यहाँ पे है। आउटपोस्ट और ऑफिस जो है अभी के समय हटा दिया लेकिन उस समय यहाँ पे था और मैप को काफी ज्यादा इंप्रूव किया, ग्राफिक्स का बहुत ही ज्यादा चेंज किया। उसके बाद 2018 में ही एक और अपडेट हमें देखने को मिलता है जहाँ पे इस मैप को और भी ज़्यादा रिनोवेट कर दिया जाता है। जो जगह यहाँ पे थी उसमें यहाँ पे मरम्मत कर दिया, घर अच्छे से बना दिया जाता है और अच्छे यहाँ पे प्लान कर दिया जाता है और यहाँ पे देखो ग्राफिक्स कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका था। ये यहाँ पे हमें अगस्त के महीने में देखने को मिला था इस तरह से चेंजेस, और उसके बाद जो यहाँ पे दिसंबर में अपडेट आता है जहाँ पे हमें रिवर देखने को मिलने लगा, यानी कि मैप में रिवर ऐड कर दिया गया और यहाँ पे देखो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस कर दिया गया, पत्थर वगैरह को चेंज कर दिया गया था। तो उस समय बस एक ही मैप हुआ करता था। फिर मई 2018 में ही हमें एक न्यू मैप देखने को मिलता है, उस मैप का नाम था परगेटरी और ये बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आया क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे जगहों को ऐड कर दिया गया था, इसमें टनल ऐड कर दिए गए थे, पेड़ पौधे का जो ग्राफिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा कर दिया था और इसी तरह से कई महीनों तक चला। उसके बाद मैप में फिर से चेंज किया गया परगेटरी मैप में, उस जो परगेटरी मैप का पुराना मैप था उसको यहाँ पे चेंज करके न्यू टाइप का कुछ इस तरह से कर दिया जहाँ पे और भी अच्छे अच्छे जगहों को ऐड कर दिया गया था और मैप को यहाँ पे अच्छा और बड़ा टाइप का कर दिया, रिवर साइड ऐड कर दिया गया था यहाँ पे और ग्राफिक्स का काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया था, कहीं पे घास हरा था तो कहीं पे एलोविश टाइप का था, यानी कि कई सारे जगहों को ऐड कर दिया गया। इसका जो ग्राफिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा कर दिया गया था, जो नॉर्मल बरमूडा का मैप था वो बरमूडा मैप से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, जब लोग इस मैप को खेलने लगे तो काफ़ी अच्छा फील करने लगे। तो ये मैप काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशन लाया था और ये फ्री फायर का दूसरा मैप था जिसका नाम था परगेटरी। उसके बाद बरमूडा मैप में कुछ और चेंजेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे रिकेज को हटा के क्लॉक टावर को ऐड कर दिया गया था और ये क्लॉक टावर के बाद एक रिमनाम विलेज को जो है एक अलग साइड से ऐड कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें ग्रेवयार्ड भी देखने को मिलता है, ग्रेवयार्ड को भी ऐड कर दिया गया था। फिर बाद में यहाँ पे बुलसे नाम का एक प्लेस को ऐड कर दिया गया था और ये जो प्लेस आया था ना ये सबसे ज़्यादा लैंडिंग प्लेस में से एक था। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी जो ऑफिस था उसको हटा के ऑब्जर्वेटरी एक नया प्लेस ऐड कर दिया गया था। उसके बाद बरमूडा मैप में ही सेंटोसा नाम का एक नया जगह ऐड कर दिया गया जो कि यहाँ पे बहुत ही साइड में था और ये जगह भी लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पे पसंद आने लगा था। उसके बाद अगले अपडेट में हमें बुलसे नाम का एक न्यू प्लेस भी देखने को मिलता है। तो ये सारे जगह जब मिल के इकट्ठा हो जाते हैं उसके बाद ये मैप कुछ इस तरह से लगता है। यहाँ पे 2019 में जो इसका मैप है वो कुछ इस तरह से लगने लगा था जहाँ पे सारा पुराना पुराना प्लेस को हटा के नया नया प्लेस ऐड कर दिया गया था और इसका जो ग्राफिक्स है वो नेक्स्ट लेवल तक चला गया था। ये था 2019-20 की जहाँ पे मैप में कुछ इस तरह से बरमूडा में चेंज हो गया था, जहाँ पे जितने भी पुराने प्लेस था, आउटपोस्ट, ऑफिस, रिकेज सब हटा के क्लॉक टावर, रिमनाम विलेज, सेंटोसा नाम का जगह ऐड कर दिया गया था, ग्रेवयार्ड, बुलसिया और मैप कुछ इस तरह से हो गया था। उसके बाद हमें 2019 में एक और न्यू मैप देखने को मिलता है जिसका नाम था कालाहारी और जब ये पहली बार मैप आया था तो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, ठीक है, क्योंकि ये अलग टाइप का था,
बरमूडा मैप में पूरा ग्रीन टाइप का था, तो यहाँ पे एकदम रेतीला टाइप का था और एक पत्थर पत्थर टाइप का था, तो ये लोगों को पसंद नहीं आया था क्योंकि कहीं पे ऊंचा कहीं पे छोटा और बहुत ही बड़ा बड़ा पत्थर देखने को मिल रहा था, तो ये लोगों को उस समय पसंद नहीं आया। लेकिन आज के समय में कल्हारी मैप एक बहुत ही ज़्यादा लाइक करने वाला मैप है, बहुत ही ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं क्योंकि ये ओल्ड मेमोरी में से एक है और लोग यहाँ पे बहुत ही सारा समय बिताए हैं। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे बरमूडा रिमास्टर्ड एक और मैप देखने को मिलता है जो कि बरमूडा में जितना भी पुराने प्लेस था और जितना भी चीज़ें था उसको यहाँ पे बदल दिया, उसको रिनोवेट कर दिया, घर चेंज कर दिया गया था, बीमा शक्ति चेंज कर दिया गया था, नूरेक डैम जैसा यहाँ पे नए नए प्लेस को ऐड कर दिया गया था, रिवनाम विलेज के साइड ये वाला प्लेस को ऐड कर दिया गया था जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, उसके बाद समुराई गार्डन सेंटोसा की जगह ऐड कर दिया गया था। तो इस तरह से इतने बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिले थे बरमूडा रिमास्टर्ड में जो कि रिनोवेट बनाया था बरमूडा मैप का। ठीक है, उसके बाद गेम में हमारा एक अल्पाइन मैप देखने को मिलता है 2021 में जहाँ पे कुछ इस तरह से प्लेस था और सारा एक न्यू प्लेस था, जितना भी जगह था वो एक न्यू मैप था, एक न्यू आइलैंड था जो कि बिल्कुल यहाँ पे यूनिक तरह का लगता था देखने में। साथ ही साथ यहाँ पे स्नोफॉल जो प्लेस होता है ना वो यहाँ पे ऐड कर दिया, यानी कि बर्फ वाला जगह भी एक ऐड कर दिया गया था और पहाड़ भी जो इसमें है वो स्नोफॉल जैसा लग रहा था देखने में। तो कुल मिला के ये मैप भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, हालांकि अभी के समय में रैंक में नहीं है, लेकिन ये अल्पाइन मैप वन ऑफ द बेस्ट मैप था, लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि इसमें जितना भी जगह था ना एक मॉडर्न एक फ्यूचरिस्टिक दुनिया वाला जैसा बनाया गया था जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। और ये मैप जो है 2022 में हमें देखने को मिला था। ठीक है, तो चार मैप के बाद हमारे गेम में अल्पाइन मैप का पांचवा मैप ऐड कर दिया गया था जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक और काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक टाइप का था और लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। उसके बाद हमारे गेम में 2023 में एक न्यू मैप फिर से देखने को मिलता है, उस मैप का नाम था नेक्स्ट्रा मैप और ये मैप भी काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक था। इसमें तो ग्रेविटी वाला यहाँ पे जगह भी ऐड कर दिया गया था, आप यहाँ पे देख सकते हो इतना बड़ा यहाँ पे मैप है, बहुत ही सुंदर आइलैंड बनाया गया था, एक ऐसा लगता था जैसे आधुनिक दुनिया हो, एक 2050 की दुनिया हो जहाँ पे कुछ इस तरह से डेवलपमेंट हो रखे हो। ठीक है, तो ये मैप यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा ओपी लग रहा है देखने में, हालांकि अभी के समय बहुत सारे लोगों को पसंद है भी और नहीं भी है क्योंकि बरमूडा मैप जो दिल में बैठ चुका है वो किसी का नहीं उतर सकता है, लेकिन धीरे धीरे मैप में जब ढलेंगे तो ये भी मैप अच्छा लगने लगेगा। पहले कल्हारी भी अच्छा नहीं लगता था लेकिन अभी कल्हारी भी लोगों को अच्छा लगने लगा है। ठीक है, तो कल्हारी और बरमूडा मैप ये दो मैप ऐसा है जो लोगों को सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा है, उसके बाद परगेट्री, उसके बाद ये सारा मैप। ठीक है, तो अभी के समय हमारे गेम में 6 टोटल मैप है जिसमें सबसे पहले बरमूडा, उसके बाद परगेट्री, फिर कल्हारी, फिर बरमूडा रिमास्टर्ड, फिर अल्पाइन और उसके बाद नेक्स्ट्रा। ये 6 मैप हमारे गेम में अभी को देखने को मिलते हैं, अलग अलग यहाँ पे ओबी अपडेट में अलग अलग रैंक मोड में ऐड कर दिया जाता है मैप को और ये सारा का सारा मैप हमें क्लैश स्क्वाड में भी देखने को मिलते हैं। फ्री फायर में मैप का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ था ये मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सा मैप कब आया था और कैसे आया था और कैसे मैप लगता था देखने में। तो ये था फ्री फायर का मैप का इवोल्यूशन वाला वीडियो। अगला वीडियो कौन सा चाहिए, किसका इवोल्यूशन चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताना, मैं बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके ये सब वीडियो बनाता हूँ बहुत ही ज़्यादा खोज के। तो यार सब्सक्राइब कर देना, एक सब्सक्राइब में आपका कुछ भी नहीं जाता है और मुझे यहाँ पे मोटिवेशन मिलता है आपको अच्छे कंटेंट देने का, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अगर आपने फ्री फायर इवोल्यूशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस पर मैंने ओल्ड मेमोरी से लेकर कितना कैसे मैप को इवोल्यूट हुआ है, स्टार्टिंग में कैसे गन आए थे, कैसे कैसे ग्लोबल आए, कहाँ से चीज़ें शुरुआत हुई थी, सब बताया था, वो डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, जरूर देख लेना, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वीडियो है। मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।